अरे फौजियों, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या, जो अपनी मौत को दावत देने आए हो? रावण, अर्जुन आ रहा है। रावण, पहले भी यहाँ कितने आए और कितने चले गए, और हम कल भी यहाँ थे और हम आज भी यहाँ हैं। ये हमारा इलाका है और इसे हम लेके ही रहेंगे। कोई भी हमसे इसे छीन नहीं सकता, तुम्हारी सरकार भी नहीं, हम यहाँ खुद सरकार हैं। अरे जिंदा है अभी, हल्के में ले रहे हो क्या? रावण, अर्जुन, अर्जुन नाम है मेरा, अर्जुन मिटा देंगे हम। फौजी है फौजी, अपनी आन मान शान के लिए, अपने तिरंगे के लिए मिटा देंगे तुम्हें, मिटा देंगे। रावण राज, तुम सब पर भारी पड़ेगा आज। हेलो, हाँ जी बोलिए जी। अबे बिच्छू भैया, एक हमको बात बताओ, अगर ये लड़की पैदा होता तो कैसा होता? फिर तो इसका बाप इसे पहले ही ब्याह दिया होता। अरे बिया से याद आया, बहुत दिन हो गए पार्टी वाला खाना नहीं खाए। हाँ यार, बहुत दिन हो गया पार्टी वाला खाना खाए। अरे क्या हो गया, तुम्हारे मुँह में दही क्यों जमा हुआ है, कुछ बोलते क्यों नहीं? अबे क्या बोलूं, तुम्हारी बेवकूफी की बातें सुनते सुनते ना मेरा दिमाग पक गया, और वैसे भी मेरा पिता ही जाने देगा क्या? हाँ, जैसे हमारे माँ बाप तो न्योता लेके भेजेंगे ना। अरे हम छुपके जाएंगे बे। क्यों बिच्छू भैया? आना तो एक बहाना है, बहुत दिनों से कोई सुंदर लड़की नहीं देखी। सुना है मुखिया के घर दिल्ली मुंबई से भी लड़की आ रही है। चलना अर्जुन, मजा आएगा। चल यार, चलते हैं। नहीं मेरे पिताजी, यार सुन सुन, तूने काम कर, तू ना अपने कपड़े लाके मेरे घर पे रख दे। हाँ। फिर शाम को गरीबों की तरह निकलेंगे और अमीरों की तरह लड़कियां ताड़ेंगे। आप लोग किसकी तरफ से हो? अरे अपने मुखिया जी है ना, उनकी तरफ से है। आप मुखिया जी को जानते हैं? जानते हैं, हम तो उनकी गोद में खेले हैं। बड़े शरारती हैं। मुखिया जी भी यही कहते हैं। मुखिया जी ने बचपन में पीटा नहीं आप लोगों को? ए, यही तो है मुखिया जी के होने वाले दामाद। खा लो भाई, कहाँ घूम रहा है, कुछ भाप भी मिले, कब तक ससुर जी की सेवा करता रहे? और क्या, सेवा तो हम करेंगे दामाद की। लाना लाठी। प्रधान जी, मैंने इनको वहाँ पहचान लिया। हाँ। इनकी खूब कुटाई भी हुई है वहाँ पे। अच्छा। और इनको वहाँ रात भर बंद करके भी रखा, उनको आपका वास्ता देकर इनको वहाँ से छुड़ा के लाया। अच्छा। गुड़िया, मेरी लाठी तो लेके आ जरा। छोड़ दे।
इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार नहीं करेगा वो ऐसा। छोड़ दे, तन्ने बिगाड़ रखा है। माफ कर दीजिए, अब नहीं करेगा वो। ये कह दे आज के बाद घर में कदम न रखे। अरे चेयर लाना। ना ना, कोई जरूरत नहीं है, हम तुझे लेने आए हैं, वो तुम्हारी माँ को तुम्हारे बगैर चैन नहीं है। पिताजी बस कुछ और दिन मुझे घर आने के लिए ना कहे, मैं माँ का आशीर्वाद ले रही जरूर आऊंगा, फौज में जाने से पहले। देख मैं तेरा बाप हूँ, जो बोलता हूँ कड़क बोलता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि जो तू आज कर रहा है मैं वही चाहता था। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, मेहनत करने का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। आज के लिए माफी दे दो पिताजी, मेरी तपस्या। ठीक है तेरी तपस्या, जब तू ये कर ही रहा है तो भगवान करे तेरी तपस्या सफल हो, अब इसे भंग मत करना। मैं भी नहीं करूँगा, सोच लिया है कि अब तुझे फौज में जाना है तो जाना ही है। पिताजी कल से फौज की भर्ती शुरू है, आशीर्वाद नहीं दोगे? खुश रहे। अरे बिजली बाहर आना। हाँ बता क्या बात। अरे है बाहर तो आओ। आ रही हूँ, रुक जा, बड़ी आफत रहे तुझे। हाँ बता। भर्ती होने जा रहा हूँ, आशीर्वाद नहीं देगी? बस कर पगले, रुलाएगा क्या, अब फौजी बन के ही आना और हमारा नाम रोशन करना। हेलो क्या बोल रही थी? क्या सुना तूने? फौजी चाहिए। हाँ चाहिए, है तू फौजी? मैं फौजी से कम हूँ क्या? अरे चल चल निकल यहाँ से, निकल। ठीक है फौजी बन के ही आऊंगा, और देखना एक दिन मैं ही ले जाऊंगा तुझे उठा के। अरे जा जा अपना काम कर। हाँ देख लेना। चल चल निकल। अरे अर्जुन की माँ, हमारा फौजी आ गया। पिताजी नमस्कार। नमस्कार। आ गया मेरा लाल। मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, क्यों मातम मनाया जा रहा है? क्या बताऊं पिताजी, भैया सामान पैक कर रहे हैं, छुट्टी से 15 दिन पहले ही जा रहे हैं, कह रहे हैं दिल नहीं लग रहा। अच्छा मैं देखता हूँ। आखिरकार चांद मेरे घर आ ही गया। सोचता हूँ आपको कोई उपहार दूं, सोचता हूँ आपको कोई उपहार दें, सोचते सोचते थक गया आपको क्या खिताब दें। काश काश के गुलाब से भी कोई नया फूल होता, जो खुद गुलाब हो उसे मैं क्या गुलाब दूं। अच्छा जी, तो आप शायरी भी करते हैं? हाँ जी। फौजियों के दो ही अच्छे शौक होते हैं, एक शायरी दूसरा पुराने गीत। तो आज फिर आप गाना ही सुनाइए। ठीक है गाना सुना देते हैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। इतना ही है।
भैया क्या हो गया, क्या आफत हो गई? भैया वो आपके दोस्त लोग आए हैं। अच्छा भाभी आप भी आ जाइए, गांव की औरतें आई हैं आपकी मुंह दिखाई के लिए, इंतजार कर रही हैं। तुम चलो मैं आती हूँ 5 मिनट में। जैन सर। जैन क्या हाल है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, मजे ले रहा है? थैंक यू कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। सब बढ़िया, आप बताओ? हाँ सब ठीक है। आप कल नहीं आए? बस ये असली है ना देश, देश की सेवा भी जरूरी है, जो करते हैं देश के लिए करते। अच्छा इसमें क्या ले आए सर? ये तेरे लिए नहीं है, भाभी के लिए बुला गला। इतनी भी जल्दी क्या है, आ जाएंगी? अरे बुला तो सही। बुला बुला। शिल्पा भाभी नमस्ते। भाभी नमस्कार। भाभी तो बड़ी सुंदर लाया। ऐसे थोड़ा ही ना सर। अरे राजू तू भी कुछ भी। अबे यार ये हमारी बात ही बात है। ये आप अरे सर इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं भाई रखो। अच्छा। और भाभी ये आपके लिए है। बड़ी हिफाजत से लाया हूँ। अरे ये क्या ले आए? अरे तेरे मतलब की चीज नहीं है ये। अबे ये क्या ले आया? अरे तेरे लिए नहीं भाभी के लिए है ये। भाभी ध्यान रखना, खाना बने ना बने लेकिन इसका ध्यान रखना। कैसे यार हो आप? जैन सर। जी सर। अच्छा ठीक है सर। जैन सर क्या हुआ सर, किसका कॉल था? अर्जेंट मिशन है, हमें अभी चलना होगा। मुझे भी सर? हाँ हम सबको। चलिए सर। कल ही तो हमारी शादी हुई है, कम से कम 2-4 दिन तो। शिल्पा तू ही तो फौजी चाहती थी ना, फिर क्यों परेशान है? हम देश के लिए पहले हैं और ऐसे भी ये खुफिया मिशन है, इसे जल्दी से खत्म करके फिर 1 महीने की छुट्टी लूंगा, फिर कहीं घूमने चलेंगे। अब तू इन आंखों और आंसुओं के साथ मुझे विदा करेगी। तेरा फौजी भारत माँ की सेवा के लिए जा रहा है। हेलो। हाँ जी बोल रही हूँ जी। माँ क्या हुआ? भाभी को क्या हो गया? क्या हुआ बहू? घबराओ मत, हमारा अर्जुन वापस आने वाला है। पढ़ाई हो रही है बेटा? पापा एक बात कहूं? हाँ बेटा। पापा गुड़िया की शादी की बात कब करोगे? उसे घर पे ही बिठा के रखना है क्या? चाहता तो मैं भी हूँ बेटा,
मगर क्या करूं, कहां से लाऊं मैं इसकी शादी के लिए इतना पैसा। अर्जुन ही एक सहारा था, लेकिन भगवान ने भी उसे जल्दी बुला लिया। बस अब तो भगवान ही सहारा है। पापा, भगवान तो सहारा है ही, पर सरकार भी तो सहारा है ना। आपके बेटे ने अपने देश के लिए जान दी है, तो सरकार से तो उम्मीद रखोगे ना। सरकार क्या करेगी, जाने वाला तो चला गया। और तो और, तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे जिम्मे छोड़ गया। अब बची कुची जो जमीन है वो बिक जाए तो इसे पढ़ाना भी है और फौज में भेजने लायक बनाना है। पापा, आप आज भी अपने बेटे की औलाद को इस देश को देना चाहते हो, तो फिर देश क्यों नहीं सोचता। सब कहने की बात है बेटा, अपनी अपनी जिंदगी जीनी होती है। देख तुम्हें क्या सोच कर लाया था कि जीवन भर खुश रहेगी, पर वक्त ने तुम्हारी हंसी छीन ली। समझ में नहीं आता क्या करूं। फसल अच्छी होनी चाहिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। नौकरी से पैसा जोड़कर थोड़ा और खेत खलियान खरीद लेंगे। गुड़िया का ब्याह भी तो करना है, खेत खलियान होंगे तो लड़का अच्छा मिल जाएगा। ठीक है ना, आप चिंता मत करो। हाँ चाचा जी, अर्जुन का ये सपना था, आप कहे तो मिलकर इस। ना बेटा ना, इस खेत को तो बेच ही दो, कोई ग्राहक मिल जाए तो बिटिया की शादी भी करनी है। बेटा एक सपना वो मेरे घर में भी छोड़ के गया है, उसे भी पूरा करना है, पढ़ा लिखा कर उसे फौज में भी भेजना है। फौज में चाचा जी, अर्जुन को दुश्मनों ने मार दिया, आप फिर भी उसके बच्चे को फौज में भेजना चाहते हो। ये जो सीना देख रहे हो ना, गर्व से चौड़ा ऐसे ही नहीं है। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ऐसी शानदार जिंदगी और मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। बैठिए बैठिए, नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ। मंत्री जी ने तसला का अनुदान देने की घोषणा की थी, ये उसकी फाइल है। शहीद की विधवा यही है। आइए मैं मंत्री जी से मिलवाता हूँ आपको। आप बैठिए, मैं इनको लेके जाता हूँ। आप बैठिए, आइए। हट साले नीच। शहीद की विधवा भी बोलते हो और उसका फायदा भी उठाना चाहते हो। मुझे गर्व है कि मैं एक शहीद की विधवा हूं, लेकिन शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एक शहीद की बीवी को विधवा कहा जाता है, ये शर्म की और बड़ी दुख की बात है। और उसके बच्चे को फीस के लिए पैसे नहीं होते। ऐसी स्थिति में परिवार क्या करे? क्या सारी जिम्मेदारी उसकी बीवी विधवा की है? क्या सारी जिम्मेदारी उसके परिवार की है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसने देश के लिए जान दे दी, उसने देश के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को, उसने भारत में नाम रोशन किया, क्या उसे यही सजा मिलनी चाहिए? उसकी बीवी को
फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है कि बीवी के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम बड़े अहम मुद्दे पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें आज से यह दृढ़ निश्चय करना होगा से उसकी बीवी बाजार में कहीं जाएगी तो उसे सर ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी बहन उसके माता पिता को कहीं भी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हमें आज निर्णय लेना पड़ेगा और यह दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, और उसे कोई भी जरूरत पड़ेगी उसमें आप लोग हम लोग साथ उसके खड़े होंगे। और आज के बाद मैं अपने स्कूल की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के बाद स्कूल की मैं फीस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके कोर्स उसकी ड्रेस से दी जाएगी, उसकी यहाँ मैं आज जिम्मेदारी लेने आया हूँ। मैं आज सर्व समाज का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब हमारी बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। एक हमारी बहू नहीं बल्कि सैकड़ों शहीदों की पत्नियाँ ऐसा उत्पीड़न झेल रही हैं, तो आप सभी सर्व समाज की पंचायत को ये निर्णय लेना होगा। धन्यवाद। इसके बीच में मैं ये चाहता हूँ जो शहीद की पत्नी है जिसको हम आज से सम्मानपूर्ण देखेंगे हमारे बीच में आए और दो शब्द वो भी हमारे बीच में रखें। सबसे पहले तो पंचायत का धन्यवाद कि मेरी बात सुनने के लिए पंचायत बुलाई गई। यहाँ पर सभी लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही जो सभी लोग जानते हैं। सभी लोगों ने शहीद के परिवार की परेशानियाँ, शहीद का त्याग, शहीद के परिवार का त्याग, सिर्फ इसी बारे में बात की। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मुझे एक शब्द बहुत चुभता है। पति के शहीद हो जाने के बाद उसकी पत्नी को शहीद की विधवा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों उसको इसी नाम से पुकारा जाता है और जिंदगी भर तक सिर्फ उसको इसी नाम से पुकारा जाता है? आखिर क्यों मुझे सिर्फ सब लोग एक शहीद की विधवा के नाम से जाने? क्यों मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि मेरी जिंदगी रुक गई है? क्यों मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि मुझे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? क्यों विधवा कह कह कर मुझे ये एहसास दिलाया जाता है? क्यों विधवा विधवा कहकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की जाती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या कोई औरत जिसके सर पर पति का साया ना हो, क्या उसे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं? क्या उसको अपनी बातें कहने का कोई हक नहीं? अरे जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो क्या ये सब देखकर वो खुश होते? कभी नहीं। हर जगह बस मुझे विधवा कहकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। हर जगह मुझे सिर्फ एक शहीद की विधवा बनाकर बैठा दिया जाता है। हर कोई अपना दान अनुदान सिर्फ इस विधवा की पोशाक को देखकर करता है। मेरे पति ने इस देश के लिए जान दे दी, उन्हें शहीद माना गया, लेकिन उनकी पत्नी का क्या? उसे बेचारी औरत एक बेचारी विधवा बना दिया गया। क्यों मुझे मेरा हक नहीं मिल सकता? आप सब लोगों से बस यही विनती है, मुझे मेरा हक दीजिए। एक शहीद की विधवा को उसके जीने का हक दीजिए।
मैं रणवीर राणा मेरठ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार के शहीदों की ये व्यथा जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ और चाहूँगा कि जो शहीदों के बच्चे हैं, परिवार हैं, मैं उनको पहले से जॉब दूँ। कहा है इन्होंने, उस पे आज हम सब लोगों ने एक फैसला लिया है। उस फैसले को आज हमारे बीच में सरपंच जी सुनाएंगे, तो मैं सरपंच जी से कहूंगा, सरपंच जी आप अपना फैसला सुनाएं। पूरी पंचायत का फैसला है, आज तक जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों को विधवा नहीं कहा जाएगा, उनको वीर वधु कहा जाएगा। मैं समाज सेवक ब्रजेश चौहान अपने और अपने पूरे समाज की तरफ से हमारी वीर वधू को शॉल उड़ाकर सम्मानित करना चाहता हूं। भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर वधु की जय, वीर वधु की जय, वीर वधु की जय। मरने मरने अधिनायक की जय ही भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारत माता की जय।